परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023 आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद, प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी व्रतियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी व्रतियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 9119748790। काय चो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संजम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। और क्या कहे उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशुगत में नाहे, आलस हरण करण सुख ठाए। कितनी सुंदर बात कही है कि वास्तव में ये संयम स्वर्गों में भी नहीं है। हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रोज भोजन नहीं होता है। मात्र भोजन त्यागने को आप संयम मत समझ लेना, क्योंकि वास्तव में भोजन का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं। डॉक्टर छुड़वा देता है, अफसर छुड़वा देता है, घर के लोग छुड़वा देते हैं, समझे। सजाएं मिलती हैं तब भोजन नहीं दिया जाता है। ऑपरेशन हो तो डॉक्टर कुछ घंटे पहले से खाना बंद कर देता है, लेकिन वो त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि वो त्याग है ही नहीं। त्याग भोगे जो आसक्ति को घटाना, घटती जान घटाइए। कहते हैं अपनी शक्ति विचार कि जितना हो सके अपनी आसक्तियों को कम करना। संयम का मतलब सम्यक प्रकार से अपने नियमों में बंधना, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस ट्रैफिक वाला हो, और चाहे ड्राइवर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई बात हो, जितनी भी दुनिया के प्रशासन हो, कानून हो, कोर्ट हो, जो भी, हमें सिर्फ सब संयम में रहना सिखाते हैं। आज हालत ऐसी हो गई कि हम गाड़ी में पीछे देखते हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कराएं। मानना कि पीछे देखना जरूरी है, लेकिन आगे बंद कर दोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। हम क्या करके आए थे, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। तुलसी जी भी इसके बारे में कहते हैं, अली मगमीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। तुलसी जी भी कहते हैं कि एक ही इंद्री के कारण, इस स्पर्शन इंद्री के कारण हाथी शिकार हो जाता है, रसना इंद्री के कारण मछली आटा खाने आती है, लेकिन आटा नहीं कांटा होता है। आप भी पंचेंद्री के भोग आटे की तरह है, वो अंदर कांटा है। क्यों कांटा है, क्योंकि भोगत में तो बहुत अच्छे लगते हैं, फल मिलता है तो नीरस हो जाते हैं। फल बहुत दुख देते हैं, और घ्राण इंद्री के कारण भौरा, चक्षु इंद्री के कारण पतंगा, और कर्ण इंद्री के कारण हिरण और सर्प वशीभूत हो जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, मौत के घाट हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। आपको कि माता जी हम पराधीन नहीं, घर में आप देखिए, आप भोगों के लिए एक दूसरे की कितनी खुशामत करते हैं, कितनी सिफारिश करते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। आपने देखा पत्नी कुछ कहे, पति तुरंत लाने को तैयार होता है। यदि झगड़ा करके जाए तो शाम को गिफ्ट जरूर आता है,
खुश मत तो ना सोच लेना सुबह झगड़ा करके गया होगा। क्यों? क्योंकि वो गोते हैं पराधीन है। लेकिन आचार्य ने कहा पंचेंद्रिय मन बस करो। मन वास्तव में भोगों से तृप्त नहीं होता है, परिवार से, पद से कहीं तृप्त होता ही नहीं। और मन तृप्त हो जाए तो मंदिर हो जाता। मन है ये अतृप्ति का नाम। हमारी देह वासना से तृप्त हो जाते हैं, मन कामनाओं से तृप्त होता है, वान कामनाओं से, यानी कामना ही करता ही रहता वो, और चेतना भक्ति से तृप्त होती है, और आत्मा शुद्ध आत्मा को पाकर ही तृप्त होती है। हम आत्मा की बात करते हैं, आज तक आत्मा तक पहुँचे नहीं। हम उस कीड़े मकोड़े नाली की कीड़े की तरह हैं जो उसी नाली की जिंदगी को संपूर्ण समझता है। प्रेमी थोड़ा ऊपर उठता है, रागी नाली का कीड़ा है, प्रेमी चलता हुआ जमीन में रेंगता हुआ है, लेकिन भक्त उड़ता हुआ पंछी है, अपनी कोई लकीरें नहीं छोड़ जाता। लेकिन त्यागी तो बंधन मुक्त स्वतंत्र सत्ता का अधिकारी है। हम वास्तव में आज तक पंच इंद्रियों के बस होकर हमने वो इंद्रियां भी पाई जहाँ इंद्रियां थी अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं थी। एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक आपकी तरह गाकर पूजा नहीं कर सकते। और पंचेंद्र भी मन है तो भी सबका मन नहीं करता आराधना करने का। आप अपने घर में ही देखो, कई लोग कहते तू ही कर ले पूजा, हम क्या करेंगे, तुम ही कर लो बहुत है, हम तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा लल्ला पंडला पकड़ने का कोई यहाँ रास्ता नहीं है। जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला, घरवाली द्वारे तक जावे, बेटा आंगन ही लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमाकर दुर्गतियों में जावे। लोग कहते संयम कुछ बंधन का नाम है, अपने आप को बांधने का नाम है। मैंने कहा संयम मुक्त होने का नाम। संयमी व्यक्ति किसी इंद्रियों की दासता स्वीकार नहीं करता है। वो इंद्रियों का सही सोता के रही सोता के वो जानता है कि इंद्रिय रूप घोड़े को लगाम चाहिए, गुलाम नहीं चाहिए। वो चाहता है जहाँ विचरण करता है। लोग कहते हैं बिचारी माता जी, हमने कहे बिचारे बिचारे कुछ नहीं, तुम जिंदगी भर कमाते हो एक हाथ से खाते हो, हम बिना कमाए दो हाथ से खाते हैं। तुम रोटी मांगो तब मिलती है, और दो रोटी के बाद पत्नी और पुश्ती और चाहिए क्या? यदि कभी कभी तो टोकती भी है, इसलिए नहीं टोकती कि खाना नहीं, बीमारी हो तो फिर कहती तीन तो खा लिए और खाओगे क्या, सोच कर देखना। और आप यदि बोलते हो तो पत्नी कहती अपने आप मांग लेंगे जितना चाहिए होगा। ये होती है ना, वो मांग भी लेते हैं, लेकिन साधु नहीं मांगता है तो आप मना मना के खिलाते। लेकिन हम खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम मोक्ष जाने के लिए खाते हैं। आप खाते हो तो भी खाने के लिए जीते हो, जीने के लिए खा लो तो कोई घाटा नहीं। क्योंकि आदमी खाता कम है, योजनाएं ज्यादा बनाता है। जो भी जहां की प्रसिद्ध चीज हो, आप किसी गांव में जाते हो मंदिर नहीं पूछते हो, बोलते हो यहाँ की क्या चीज फेमस है, यहाँ की क्या चीज मशहूर है। ध्यान रखना जिभ्या दोनों काम खतरनाक करती, चखने का भी और बकने का भी। चखने का यानी चखे तो वास्तव में हजारों लाखों लोग रुपया इसी पे लुटा देते हैं। दावत क्यों देते हो? इसीलिए तो देते हो। और दावत भी लोग कहते 10 लाख की 6 लाख की, मैंने कहे पूरे नार की जीभ बुला रखे थे, कितना खा के गए? अरे एक एक प्लेट खाते नहीं हो,
उसमें इतना अनर्थ दंड होता है। कभी झूठा मत छोड़ना। तुम यदि झूठा नहीं छोड़ते तो अन्नदान है। तुम्हारे मुस्कुराने से यदि किसी का खून बढ़ता है तो ये रक्तदान। तुम्हारी तारीफ करने से यदि किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो ये श्रमदान। तुम किसी को कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हो। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है, किसी के घर में कोई जाता है तो मुझे लगता है आफत की तरह जाता है। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हो, मनाते नहीं हो। पहले हम महीनों पहले से तैयारियां करते थे, बच्चा नहीं होता तो उसके पहले बच्चे के झबले, उसके गद्दे, उसकी रजाइयां बन जाती थी और नानी दादी बुआ इतने प्यार से उसे तैयार करती थी, तभी बच्चा प्रेमी पैदा होता था। अब जो भी लाते तुम बाजार से लाते हो, बच्चा भी बाजारू हो गया, बच्चा भी बाजारू हो गया, बिकाऊ हो गया। यानी उसके अंदर में कोई भी तुमने दिल दिया ही नहीं बच्चे को। अब तो बोतल की औलाद है। क्या भरोसा कांच का घट, क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए पर एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अपने बच्ची बच्चियों को सिखा के भेजना कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तक अपने दिल के करीब रखना। लेकिन आजकल तो 2.5 साल के बच्चे को उसकी माँ स्कूल में डाला थी। मैंने कहा उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा लेकिन खुश मिजाज इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉजिक था। आपने देखा, आप लोग जितने बैठे हो ये 4-5 साल बाद के बच्चे होंगे, स्कूल गए होंगे। आजकल बच्चे भले छोटे में भेज दो, ठीक है बुद्धि का विकास है, कंप्यूटर का युग है, बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काहे को चलाएगा। पहले के लोग 20 और 20 की गुणा हिसाब हाथों पे कर लेते, आज 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। एक लंबी लाइन लगी थी, एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा कैसा बेढंगा लग रहा है। उसने कहा वो मेरा बेटा नहीं बेटी है। कहने लगे आप उसके बाप हैं? बोले नहीं मैं उसकी माँ हूँ। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहां निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रूपए। 11,000 रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं।
गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571003, 911197, 48790। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 02120010117277, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। मुरादाबाद की धन्य धरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी एवं आर्यका 105 विश्व यशमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है नारी संस्कार का शंखनाद, संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार नारी धर्म और संस्कार। मुख्य संचालनकर्ता प्रतिष्ठाचार्य पंडित नीरज जैन शास्त्री, मुख्य वक्ता कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री, प्रमुख वक्ता कुशल संचालक। मंगल बेला 4-5 अक्टूबर 2023। कार्यक्रम स्थल रत्नत्रय जेड 28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद। कार्यक्रम रूपरेखा 4 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे से। कैसे बढ़ाएं नारी समाज का गौरव, कैसे बना सकती है नारी घर को स्वर्ग, क्या है आदर्श नारी के लक्षण, द्वितीय सत्र दोपहर 3 बजे से। महिला कैसे बदल सकती है घर का वास्तु, घर शुद्धि से सिद्धि, घर की रसोई एक औषधालय एवं 5 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे। भारतीय नारी का श्रृंगार और वेशभूषा, कैसे बनाए रखें अपने परिवार में खुशी। कार्यक्रम से जुड़ने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री अनिल जैन अध्यक्ष टी 9837030030, श्री अंकित जैन 9837059639।